Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. दोस्तों वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी बैकलाइट प्रॉब्लम अगर आता है आपके पास लैपटॉप के पैनल पे या तो फिर एलसीडी की पैनल पे, तो आप उसको कैसे जुगाड़ लगा के बैकलाइट को ठीक कर सकते हैं। तो सिंपल सा जुगाड़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिया हूँ ये जेब्रोनिक्स का 15.4 इंच का एलईडी। ओके, तो अभी यहाँ पे जो ये लोग जो यूज करते हैं किसको जुगाड़ लगा देते हैं कि यहाँ पे सीएफएल जो रहता है उसको हटा के इसमें एलईडी कर देते हैं। तो पहले जो देखिए कि इसमें फ्लिकरिंग अगर हो रहा है आपकी बैकलाइट तो उसको चेंज करना होता है, या तो फिर ये एकदम डेड है तो आपको कैसे ये सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ऑन किया और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इमेज लाइट आएंगे, तो देखिए ये लाइट जो है कांप रहा है, आप देख सकते हैं फ्लिकरिंग कर रहा है। तो सिंपल सा है, ये मैं बंद कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे खोलते हैं। कि इसकी ये बेजल जो है, ये बेजल में चारों तरफ इसमें स्क्रू होता है, मतलब इधर दो, राइट साइड में दो, लेफ्ट साइड में दो। तो ये दोनों को खोलने के बाद आपको ये कवर वगैरह जो है इसको अनलॉक करना होता है, ठीक है। तो ये अनलॉक करने के बाद ये निकाल जाता है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए सिंपल से लगा हुआ है, तो इसको आपको थोड़ा सा खींच के ऐसे बाहर निकालना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और बाहर निकालने के बाद आपको मैं दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए मैं इसको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो तीन लाइट नहीं जल रहा है, और इधर भी एक लाइट मिसिंग है, और यहाँ पे सामने का तीन लाइट नहीं जल रहा है। तो मैं दोबारा चला रहा हूँ, आप देखिए। तो इसकी वजह से ये फ्लिकरिंग हो रहा है। तो इसको तो हम जुगाड़ लगा सकते हैं, तो इसको हम ठीक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही टाइनी एलईडी है। तो अभी थोड़ा सा मोटा सा हम एलईडी जुगाड़ लगाया, तो ये देख सकते हैं, ये जो कि बहुत ही अच्छे से सस्ते से आपको दुकान में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ये कनेक्टर भी दिया जाता है, तो आपको ये इसकी नाप से अगर बड़ा मिलता है तो आप इसको काट के छोटा सा बना सकते हैं। तो ये है सिंपल सा, ये देखिए। और इसको यहाँ से काटना होगा तो तभी ये जलेगा। तो चलिए हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे लगा दिया और इसको दोबारा ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से जलता है। तो ये देखिए फुल ब्राइट ये जल रहा है, तो आप अगर इसको काटेंगे तभी ये जलेगा। तो अभी इसका जो नाप है मैं उसी नाप से इसको काट लेता हूँ। तो ये इधर से बहुत ही ये मोटा सा है, तो हम इसको काटेंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, और इस तरीके से तोड़ने के बाद अब इसको दोबारा चालू करके देखेंगे कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तब भी जल रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसका तीन लाइन इसमें डैमेज कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तीन भी इसको तोड़ना होगा, तो हम काटर से काट देते हैं, लेकिन छोटा अगर बन जाएंगे तो तब भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो फिर से जला के देखते हैं। ये और दो तो होगा, नो प्रॉब्लम। तो हम इस दोनों को काट देते, दोनों ने एक को काट देते। तो इसके बाद ये हो चुका है, और अब इसको यहाँ पे सेट करना होगा, मतलब पैनल पे आपको लगाना होगा। लेकिन ये जो लगा हुआ है कंपनी का, तो ये बहुत ही पतला सा है, तो इसमें शायद आप फिट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको हटा सकते हैं, और हटाने के लिए सिंपली और संभल के कीजिएगा, नहीं तो हाथ आपका काट सकता है इसकी वजह से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इसको बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाहर करने के बाद आपको ये बैकलाइट अपने खरीद के लाए, तो इसको आपको यहाँ पे सेट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे पहले देख लेंगे कि हम इसमें लगा सकते कि नहीं लगा सकते। तो इसमें ये तो आराम से सेट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम अंदर से डाल के देखते हैं क्योंकि ज़्यादा मेहनत हम नहीं करने वाले। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको सेट करना है, और वो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इसको लगा देंगे सिंपली, और लगा के हम इसमें ग्लू डालेंगे, ठीक है। और कवर भी एक लगाना होगा, तो पहले हम इसको बंद कर देते हैं, ये लॉक में लगा देते हैं इसको। ताकि अच्छे से सेट हो जाएंगे। देन हम इसमें इसको सेट करेंगे और देखेंगे कि लाइट जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से सेट नहीं होगा तो ये लाइट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होंगे। तो चलिए हम इसको दोबारा ऑन करके देख लेते हैं पैनल को। बराबर से हो रहा है, सिर्फ इसके पीछे एक कवर लगा देंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये कवर जो है इसको हम इसमें तो लगा ही देंगे, लेकिन उसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू से हम इसको फिक्स करेंगे। वो कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे वो सुपर ग्लू का हम इस्तेमाल करने वाले। तो सुपर ग्लू दोनों को मिला के हम वो बॉन्टाइट जो है उसको यहाँ पे लगा देंगे। और फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेविक्विक बहुत हानिकारक है, मतलब कि डिस्प्ले में इमेज खराब हो जाता है। तो ग्लू का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बातचीत कर लेता हूँ कि देखिए ये जो है ये बैकलाइट का ड्राइवर है, तो ये अगर खराब हो जाते हैं तो ये भी मार्केट में मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और, ये देखिए ये मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो इसमें से भी हम इसको जला सकते हैं। तो चलिए इसको जला के देखते हैं। ओके, देखिए इसमें से भी चलेगा ये। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, मतलब मार्केट में ये भी अगर खराब हो जाते तो आपको ये भी मिल जाएंगे। ये बैकलाइट ड्राइवर किट जो है, एलईडी बैकलाइट ड्राइवर किट जो है, ये आपको मिल जाएंगे, बहुत आसान है। और चीज़ एक होता है जो कि यूनिवर्सल है, ये भी मिल जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक है, मतलब कि ये हाई वोल्ट बनाता है। लेकिन अगर आपको मतलब ये आउटपुट की जरिए हम जितना आउटपुट देंगे उतना आउटपुट ये बनाएगा, तो ये एक फ़ायदा है इसका। तो ये भी ये यूनिवर्सल है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका ये 12 वोल्ट एनेबल सभी सेम ही है, देख सकते हैं आप। ऐसे इस तरीके से लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो और एक चीज़ हम चेक कर लेते कि इसका ये मॉनिटर सही है कि नहीं है, क्योंकि वो भी तो देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो ये पैनल का जो कनेक्शन है एलवीडीएस का, ये हम लगा देते हैं कनेक्टर में। और ये लगाने के बाद ऑपोजिट साइड से हम देखेंगे कि ये ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो ये नो सिग्नल आप देख सकते हैं इसमें आया है बहुत बढ़िया से, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाता है, क्योंकि सिग्नल बिना सिग्नल के ये क्विक काट ऑफ हो जाता है, मतलब पावर को बहुत सेव कर रहा है। तो बहुत बढ़िया भाई, अभी बिजली का बिल तो वेस्ट बंगाल में बहुत महंगा हो चुका है, ठीक है। तो ये सिग्नल भी इसमें आ रहा है, मीन्स सिग्नल मतलब कि ये डाटा जो है डिस्प्ले में आ रहा है, मतलब इसका पैनल भी सही है। तो ये रिपेयर करना सही रहेगा, मतलब कि अब अगर आपने ये एलईडी वगैरह लगा दिया और बाद में देखा कि भाई स्क्रीन में वो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, मतलब ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले आप एलईडी लगाने से पहले, एलईडी को काटने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि उसमें नो सिग्नल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मीन्स ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अगर आ जाता है तो भाई सही है, तो उसके बाद आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये जो एलईडी है ये भी बहुत ही पतला सा है, और जो कि कॉमन मतलब कि लेनोवो का G570, G580, G560 और भी बहुत सारा मॉडल में ये सब लगा हुआ होता है। लेकिन इसमें बहुत सारा कनेक्टर पिन आप देख सकते हैं, ये आपको इसके बदले में वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पैनल में से आपको कुछ चेंजेस करना होगा और उसमें सप्लाई इधर से ही देना होगा। मतलब ऐसे छोटा सा किट आप ले सकते हैं, और ये कनेक्टर को हटा के आप सोल्डरिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटी सी जगह में बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में काफी मुश्किल हो जाता है, तो लैपटॉप का पुराना पैनल का जो ड्राइवर किट होता है उसका आप जो उसमें वोल्टेज को डीसी टू डीसी में कन्वर्ट करके कर रहा है हाई वोल्ट में, तो उसको हटा दीजिए, सिर्फ इनपुट वोल्टेज दीजिएगा, तभी ये चलेगा, ठीक है। तो ऐसे जुगाड़ आप लगा सकते हैं। तो उसके बारे में भी अगर जानना है तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में। मतलब कि लैपटॉप का अगर ऐसे होता है और इसमें अगर आप ये लाइट चेंज करके ये वाला लगा देंगे तो उसमें क्या करना होगा, तो वो भी हम बता देंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको सेटअप करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए अब इसमें दोनों ग्लू को मिला के जोड़ देते हैं। ये बॉन्ड टाइट है और इसके साथ दूसरा वाला पार्ट भी मिलाना होगा। और ये दोनों को मिलाने के बाद ये सुपर ग्लू तैयार हो जाता है। ओके, और इसके बाद आप ये कवर जो है इसको लगा दीजिए, सिंपल तरीके से इसके ऊपर सेट कीजिए तो हो जाएंगे। आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे सेटअप करना है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का काम है, अंदर से करना होता है। तो ये अगर घूम के ऑपोजिट दिशा में जाएंगे तो तभी आपका ये प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि ये ग्लू जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, डाल के इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर इसको डाला, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। लेकिन इसको इसे लगाने से पहले आपको ये अनलॉक करना होगा फिर से। नहीं तो ये आप नहीं लगा पाएंगे। देखो ये बाहर निकाल रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर ग्लू लगा दिया। और आप पतला सा डबल साइडेड टेप का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको खोलते हैं यहाँ से और दोबारा लगा देते हैं। और यहाँ पे ये सब लगाने के बाद आपको ये यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया एकदम बिल्कुल अच्छे से, और इसके अंदर ग्लू भी डाले थे। और आपको ये कंफर्म करना होगा कि ये सही ढंग से लगा हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं तो ये लाइट जो है ये बाहर की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार और कंफर्म कर लीजिए कि ये बराबर से लाइट का जो कनेक्शन है वो आप लगा पाए कि नहीं पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको दोबारा ऑन करके देख लीजिए, और अगर प्रॉपर लाइट इसमें लगा हुआ है तो ये बिल्कुल अच्छे से टोटली जलेगा। तो ये टोटल जल रहा है, तो हम इसको बंद कर दिया और इसको यहाँ पे सेट करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरा का पूरा बोर्ड जो है, लॉजिक कार्ड, ये बैकलाइट ड्राइवर वगैरह वगैरह सब मैंने लगा दिया यहाँ पे। और इसके बाद आपको ये सेट करना है यहाँ पे बैकलाइट का कनेक्शन। और इस तरीके से लगाने के बाद आपको इसका जो डाटा कनेक्शन है इसको आपको लगाना है इस तरीके से। और इसे लगाने से पहले आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए कि आपने सही ढंग से लगा पाए कि नहीं लगा पाए, क्योंकि कभी कभी इसमें पिक्चर नहीं आती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आप देखना होगा यहाँ पे आपको। कि ये बराबर से नो सिग्नल वगैरह वगैरह जो दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो ये सही ढंग से दिखा रहे हैं। ओके, तो अब हम इसका जो तार है लंबा सा, इसको काट भी सकते थे लेकिन नहीं काटें, वो आपका मर्जी, आप काट भी सकते नहीं भी काट सकते, कुछ नहीं बिगड़ता इसमें। तो इस तरीके से इसको फिट करने के बाद आप बैक इसका जो टॉप बेजल है उसको लगा दीजिए। इस तरीके से और इस तरीके से लगाने के बाद आपको स्क्रू भी लगाना होगा, नहीं तो ये इसमें फिक्स नहीं होंगे। तो इसके पीछे से बहुत सारा स्क्रू है, तीन तीन इसमें 6, 8, 10, 12 स्क्रू है, तो आपको सब लगाना होगा, उसके बाद ये कंप्लीट। तो यहाँ पे सारा का सारा स्क्रू लगा दिए और ये मेरे लैपटॉप के साथ ये VGA केबल कनेक्टेड है, ये लगाया और इसका सप्लाई लगाया। और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिस्प्ले देता है। तब भी नो सिग्नल दिखा रहे हैं। आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ओके, और ये मेरा YouTube चैनल मैं खोल के रखा हूँ इसमें, बहुत बढ़िया। तो अब चलेगा। और गाइस ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और जुगाड़ अगर कर पाए आप तो कमेंट्स में और बताइएगा कि आपने ये वीडियो देखने के बाद जुगाड़ कैसे बनाया। और कभी दिक्कत आया तो तब भी बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरा दिक्कत आए थे और ये लाइट नहीं मिला था, दूसरा लाइट मैं लगाया, ये लगाया, वो लगाया, क्या किया। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो आप भी डिस्क्रिप्शन वो कमेंट्स में दे सकते। सो गाइस थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।